मानवतावाद व अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको शत शत नमन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, इनका जन्म मथुरा की ब्रज भूमि पर एक नगला नामक गांव था, वहां पर हुआ। ये जो है घर से बहुत ही गरीब थे। बचपन में इनके माता पिता, बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता खत्म हो गए थे और ये बचपन से ही गरीबी का सामना कर रहे थे। इनके माता पिता की छत्रछाया इन पर नहीं थी, लेकिन ये अपने परिस्थिति को देखते हुए, इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो गरीबों के प्रति ज़्यादा लगाव रखते थे। और सबसे पहली बात तो इन्होंने शिक्षा के प्रति ध्यान दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे ये शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। और जब इनका जन्म हुआ है मथुरा में, तो उसके बाद ये इंटर की परीक्षा पास किए हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किए हैं। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद ये बीए करने के लिए कानपुर चले गए थे। कानपुर से इन्होंने बीए किया है और कानपुर से बीए करके ये आगरा चले गए थे। आगरा जा करके वहाँ से इन्होंने एमए किया है। अब जब ये आगरा गए थे एमए करने के लिए, तो वहीं पर ये राष्ट्रीय संघ के इनमें रुचि हो गई। क्यों रुचि हो गई? क्योंकि इनके माता पिता की छत्रछाया इन पर थी नहीं, तो इनको जो है राष्ट्र से बड़ा प्रेम हो गया था। इन्होंने क्या किया कि एमए करते करते ये राष्ट्र की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो गया। और वो अंत में हुआ क्या कि 1951 में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उनसे इनकी